महिलाओं के गर्भवती होने के दौरान, जन्म देने या प्रसव के 2 महीने के बाद उनमें दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के एक अध्ययन में इसका खुलासा हुआ है। जर्नल मायो क्लिनिक प्रोसीडिंग में प्रकाशित निष्कर्ष बताते हैं कि कई महिलाओं के बीच अधिक उम्र में बच्चों को जन्म देने की प्रवृत्ति का बढ़ना इसका एक संभावित कारण हो सकता है। साथ ही दिल के दौरा का जोखिम उम्र के साथ बढ़ता है, विशेष रूप से गर्भ अवस्था के दौरान। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय लांगोन हेल्थ के शोध में ये लेखक श्रीपाल बेंगलोर ने कहा, एक दशक की सबसे बड़ी समीक्षा के बाद हमारा विश्लेषण दिखाता है कि गर्भावस्था माताओं के शरीर और उनके दिल पर कितना तनावपूर्ण साबित हो सकती है। इससे शारीरिक परिवर्तन तो हो सकते हैं और ये संभावित रूप से उन जोखिम वाले कारकों पर से पर्दा उठाती है जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक महिलाओं के मोटापा या मधुमेह से पीड़ित होने की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कि दिल के दौरे के प्रमुख जोखिम कारकों में से एक है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन के लिए अस्पतालों में दर्ज 49,829,753 जन्मों का विश्लेषण किया और पाया कि प्रसव के दौरान 1,061 महिलाओं को दिल का दौरा पड़ा। उन्होंने ये भी पाया कि जन्म से पहले 922 महिलाओं को मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और जन्म के बाद स्वास्थ्य पर सुधार की अवधि के दौरान 2,390 महिलाओं का दिल का दौरा पड़ा। अब ये देखा जा सकता है कि गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य की कितनी ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए, और अगर आप अपने हेल्थ के प्रति सजग नहीं रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, तो आप किसी न किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजर कर एक गंभीर बीमारी आपके सामने खड़ी हो सकती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दें और आप गंभीर से गंभीर बीमारियों से बचे रहें। क्योर एंड हेल्थ डेस्क रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।